400 किलो भोल्ट नेशनल ग्रिड सह कनेक्ट है मुंबई नगरी। आदानी एनर्जी सल्यूशन लिमिटेड पक्षर कमिशन है खरगर बिक्रोली ट्रांसमिशन लाइन। मुंबई में प्रथम तरफ आदानी एनर्जी सल्यूशन लिमिटेड पक्षर 400 किलो भोल्टर कनेक्शन सह डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन स्थापन कर प्रकल्प में समुद्र कूल में 6 टावर रही बेले सहर भितर स्वतंत्र ऊर्ध्वगामी टावर रही जहां मुंबई सहर से बढ़ुवा बिजुली आवश्यकता को पूरण कर। खरगर बिक्रोली ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा मुंबईर अतिरिक्त बिजुली आवश्यकता पूरण हो। निकट अतीत मुंबई में दुई दुई थर ग्रिड फेल हो 2022 फेब्रुआरी 27 तारीख एवं 2020 अक्टोबर में ग्रिड बंद हो फिर सहर अंधकारमय हो जाता। खरगर बिक्रोली लाइन 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजुली मुंबई सहर को जगह जहाँफल ग्रिड फेल को रोकह। यह प्रकल्प जोगु मुंबई सहर को तार म्युनिसिपालिटी भौगोलिक क्षेत्र मध्य 400 किलो भोल्ट ग्रिड मिल। बुलेट ट्रेन मेट्रो रेल एवं सिटी रेलवे सह वाणिज्यिक एवं घरोई उपभोक्ता को अनवरत बिजुली सेवा जोगाई देव। खरगर बिक्रोली ट्रांसमिशन लिमिटेड रे 400 किलो भोल्टर पाखापाखी 74 सर्किट किलोमीटर लाइन एवं 220 किलो भोल्ट ट्रांसमिशन लाइन रही। यह बिक्रोली 1500 मेगा भोल्ट एम्पियर 400 किलो भोल्ट गैस इन्सुलेटेड सबस्टेशन रही जहाँकि मुंबई रे प्रथम। यह 9500 वर्ग मीटर अंचल रही। केबीटीएल प्रकल्प नेवी मुंबईर खरगर अंचल आरंभ हो बिक्रोल शेष हो। प्रकल्प प्रमुख उपादान गुड़िक 400 किलो भोल्ट जीआईसी बिक्रोली सबस्टेशन ए 1500 मेगा भोल्ट एम्पियर ट्रांसफर्मेशन क्षमता अंतर्भुक्त। खरघर एयर इन्सुलेटेड सिस्टम स्विच यार्ड 400 किलो भोल्ट डबल और मल्टी सर्किट लाइन। बिक्रोली 400 किलो भोल्टर तेलीगांव कलवा लूप लाइन लूप आउट लाइन। आदानी एनर्जी सल्यूशन लिमिटेड जहाँ पूर्व आदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भाव कहला यह आदानी ग्रुप एक अंशीदार कंपानी एवं यह पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर देशर अग्रणी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपानी जार ट्रांसमिशन नेटवर्क क्षमता रही 18875 सर्किट किलोमीटर ए 14279 किलोमीटर कार्यक्षम थिला बेले 4596 सर्किट किलोमीटर विभिन्न पर्यायर निर्माणाधीन रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।